नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राय और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में लर्निंग ट्रिक्स में। दोस्तों, पिछले दिनों मैं पीएम मोदी का एक भाषण सुन रहा था जो वो संसद में दिए थे। उन्होंने कांग्रेस की वर्क कल्चर पे एक बहुत ही तीखा व्यंग कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली आज के समय में ऐसी हो गई है जैसे कि चार्वाक दर्शन में एक स्टेटमेंट था कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो भले ही ऋण लेके घी पियो। ये पीएम मोदी ने ही संसद में बोला था। आज का हमारा वीडियो इस पर नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल टिप्पणी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर की थी ये कितना सही है कितना गलत है, बल्कि हमारा वीडियो इस टॉपिक पर है कि फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे विचार ऐसी बातें हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ना केवल हम अपनी फील्ड के एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान के रूप में भी उभर सकते हैं। जब हम अपने बातों में, जब हम इनके विचारों को समझेंगे, जो दुनिया में इंडिया में बेहतरीन फिलोसफर्स हुए हैं, जब हम उनके विचारों को समझेंगे, उनकी बातों को अमल में लाएंगे और अपनी बातों में उनकी बातों को कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बातों में भी एक वजन आएगा। आप देखे होंगे एक अमिताभ बच्चन जी की एक बहुत ही फेमस मूवी शराबी मूवी, जिसमें वो अपने मुंशी जी जो उनके दद्दा जी होते हैं उनसे पूछते हैं कि मुंशी जी बातों में वजन कैसे आएगा। तो उनके मुंशी जी एक जवाब देते हैं कि बेटा जब मोहब्बत होती है तब आपकी बातों में वजन आता है। मेरे ख्याल से ये एक शुद्ध लफाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी बातों में वजन मोहब्बत होने से नहीं आता, आपकी बातों में वजन आती है जबकि आपकी सोच प्रगतिशील होती है, यानी आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो और आप में एजुकेशन का स्तर अच्छा हो, तब जाके आपकी बातों में वजन आती है, तब जाके आपकी बातों में गंभीरता आती है जो सामने वाला आपको एक मैच्योर्ड इंसान के तौर पे लेता है। दोस्तों, फिलॉसफी एक बहुत ही जटिल विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आमतौर पे इसे वही लोग पढ़ते हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो ये विश्व का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। आमतौर पर इसे वही लोग पढ़ते हैं जिनके कोर्स का ये हिस्सा होता है, जो मतलब जिनको मजबूरी है पढ़ना वो इसे पढ़ते हैं, और वो भी इसे इस अप्रोच से पढ़ते हैं कि किसी तरह बस हम एग्ज़ाम दे के इसको निकाल लें और फिर वो बातें अपने आप उनके माइंड से डिलीट हो जाती हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने, कोई फिलोसोफर ने अपनी फिलॉसफी या दर्शन को देने में पूरा अपना जीवन खपा दिया, उन आइडियाज़ को ढूंढने में, एक एक आइडिया क्रिएट करने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, और सबसे बड़ी बात कि उन आइडियाज़ पे रिसर्च करने में, उन आइडियाज़ को समझने में, उनको उनके लॉजिक्स का काट खोजने में हज़ारों लाखों शोधार्थियों ने, विद्यार्थियों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, तो सोचिए कि ऐसे फिलॉसफर्स को समझना क्या हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। उनकी बातें, उनके विचार जो है वास्तव में इतने गहरे होते हैं और इतने यूजफुल होते हैं कि अगर हम उनको अपनी डेली लाइफ में उतार लें तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। तो मेरा मानना है कि ये कठिन भाषा में जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी सब लिखी हुई हैं, इनको वास्तव में समझने में थोड़ी तो दिक्कत होती है। अगर हम किसी भी फिलोसोफर की बुक उठाएं, उनको समझें, तो उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी एक तो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हैं, प्लस भाषा भी उसी हिसाब की है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया आया जो आज की हमारे इस वीडियो की एक मेजर अनाउंसमेंट भी है। वो ये है कि हम लोग जल्द ही हफ्ते में एक वीडियो की एक ऐसी सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग दुनिया के और इंडिया के बेहतरीन जो बहुत फेमस फिलोसोफर्स हुए हैं उनको हम लोग उठाएंगे, उनके बारे में जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारी डेली लाइफ में यूज में आ सकती हैं, हमारे लिए बेहद रेलिवेंट हो सकती हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और बहुत ही सरल भाषा में, तमाम एग्जाम्पल्स के साथ में। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इनको समझते हैं और थोड़ा सा भी अपने जीवन में लाते हैं तो आपका लाइफ को लेके एक विजन क्लियर होगा, आप में जो जीवन में पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो तमाम सारी डिलेमास आप फेस करते हैं, आप उसमें एक बेहतर निर्णय कर पाएंगे, आप अपने लाइफ का एक उद्देश्य समझ पाएंगे। इसके साथ ही कभी कभी जब जीवन में डिप्रेशन जैसे फेज आते हैं तो उसको, उससे आप आसानी से टैकल कर सकेंगे। तो ये सारी फिलॉसफीज आपको आपका दिमाग खोलने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उसको ब्रॉड बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। और आप इनको सबको समझने के बाद अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सफल तो होंगे ही, लेकिन आपकी जो बात करने की कला है वह भी एक बेहतरीन स्तर पर पहुँचेगी। जब चार लोगों के बीच में आप अपनी बात रखेंगे तो समाज आपकी बातों को इज्जत देगा, आपको एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह लेगा, आपकी बातों को एक अलग ही तवज्जो मिलेगी जो कि हम सभी चाहते हैं। और इसमें हम जो
शुरुआत कर रहे होंगे वो हम लोग इंडियन फिलॉसफी से शुरुआत कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड फिलॉसफी, जो वर्ल्ड के बेहतरीन फिलॉसफर्स हुए उन पर भी जाएंगे। इंडियन फिलॉसफी में जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, तो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कौन सी बात लिखी कि आज भी जो विश्व के टॉप मोस्ट जो बिजनेस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, उनमें ये पढ़ाया जा रहा है एक सिलेबस के रूप में। श्रीमद् भगवद गीता के कई सारे टॉपिक्स समझाए जा रहे हैं, तो ऐसी उन्होंने कौन सी बात लिख दी। उनका जो एक निष्काम कर्मयोग का कॉन्सेप्ट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दैनिक जीवन में उसको अपना लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो आपके जीवन की आधी चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और वास्तव में आज के समय में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिंता में उलझा हुआ है, तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण शामिल होंगे। क्या ऐसा था कि एक साधारण सा व्यक्ति जो उसके विचार जैसे महात्मा जो गौतम बुद्ध हुए, उस सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कैसे बने कि उनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया, उनके क्या ऐसे विचार थे, या फिर जैसे जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनके क्या ऐसे विचार थे कि आज भी उनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी ज्यादा है और इसको एक अलग धर्म का रूप तो दिया ही गया, इनको भगवान तक का दर्जा मिला। ध्यान दीजिए, उन्होंने काम ऐसा कोई नहीं किया, लेकिन उनके जो विचार थे उन्होंने ही उसे भगवान के स्तर पर समतुल्य लाके खड़ा किया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिया में जैसे चाणक्य हुए, आज से तकरीबन 2300-2400 साल पहले हुए हैं, लेकिन आज भी हम देखेंगे कि इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो इतनी रेलेवेंट हैं कि आज भी कुछ एक नेताओं को चाणक्य कह दिया जाता है राजनीति का। इसी तरह से हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने चार्वाक की बातों को कोट किया, उनके विचारों को कोट किया, जो कि लगभग आज से तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व, 1100 वर्ष पूर्व हुए थे। उसी समय के आदि शंकराचार्य, जिनकी पदवी आज भी चली आ रही है, और 15वीं शताब्दी में जैसे कबीर दास हुए, जो 600 साल पहले से ही ये बात कर रहे हैं कि हमें जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए, उन पर एक तीखा व्यंग कर पा रहे हैं, जो कि शायद आज के भी लोगों में उतनी पॉलिटिकल विल नहीं है या उतनी बात कहने की शक्ति नहीं है कि हम लोग ये बात कह सकें कि जाति धर्म के बंधनों से हमें ऊपर उठना बेहद जरूरी है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हुए, तो महात्मा गांधी जो कि मतलब जो अगर एक कदम बढ़ाते थे तो उनके कहने पे उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो विचारों को मानने वाले लोग थे, वो अपने आप हजारों लाखों की संख्या में कदम आगे बढ़ जाते थे। महात्मा गांधी एक ऐसे, उनके विचार जो है एक ऐसे विषय हैं जिन पर विश्व में सबसे ज्यादा रिसर्च की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें समझने की जरूरत है? जब भारत में विभाजन हो रहा था, लोग विभाजन के दौरान होने वाली विभीषिकाओं, मृत्यु इतनी ज्यादा संख्या में हो रही थी कि सारी पुलिस फोर्स, आर्मी, डिफेंस की प्रक्रिया सब कुछ मतलब तैनात थे प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी एक मुस्लिम एरिया में जा करके और वहां पर वो एक एक घर से एक चाकू तक सरेंडर करवा देते हैं। यही देख के उस समय, बल्कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय के वायसराय, उन्होंने उनको वन मैन आर्मी की भी संज्ञा दी। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी कविताएं अपने आप में तमाम फिलॉसफीज को लेके समेटे हुए हैं। तो इन सभी की बातों को समझने की मुझे लगता है हम सभी लोगों को अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरत है, एकदम शॉर्ट में समझने की। इसी प्रकार से अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी या वर्ल्ड फिलॉसफी में देखें तो सुकरात, यानी इंग्लिश में जिन्हें सोक्रेटिस कहते हैं, प्लेटो हो गए, अरस्तु या एरिस्टोटल हो गए, ये लोग हुए तो तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले हुए, लेकिन उसके विचार इतने प्रासंगिक या रेलिवेंट आज भी हैं कि आज भी तमाम लोग उनको अपनी बातों में कोट करते हैं। इसी प्रकार से जॉन लॉक हुए, बेंथम, मिल, थॉमस हॉब्स, इन लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए जो कि अपने समय के बेहतरीन फिलॉसफीज में से एक हैं। कार्ल मार्क्स हुए, हीगल, कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, एक कोई कैपिटलिस्ट में और एक सोशलिस्ट में। तो इस तरीके से मतलब दो विचारों में पूरी दुनिया का बट जाना, सोचिए वो व्यक्ति के विचार कितने ज़रूरी होंगे, कितने अहम होंगे। और कार्ल मार्क्स, अगर हम देखें कि आज जो ये हो रहा है हमारा यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं यहीं से उसके बीज निकलते हैं। जो आज हम UNO देखते हैं या नाटो देखते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं उन्हीं के विचारों से प्रभावित है। तो किसी के विचारों में इतनी ताकत होती है। अब जैसे आजकल जो एक टॉपिक बहुत फेमस हुआ है कि फेमिनिज्म, नारीवाद, ये आज इंडिया में आज या कुछ साल से या कुछ दशकों से फेमस हुआ है, मगर ये वर्ल्ड में एक बहुत सबसे पहले जिन्होंने ये बात उठाई, सिमोन द बोवर ने,
वो अपनी बुक जब लिखती हैं द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है। इनको जब हम समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में फेमिनिज्म का मूल रूप क्या है और इसे कैसा होना चाहिए, हमारा एक व्यू पॉइंट क्लियर हो पाएगा। हम ये समझ पाएंगे कि जो फेमिनिज्म आज के दौर में चल रहा है वो कितना थोथा नारीवाद है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसमें होना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको लेकर। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो आजकल ट्रेंडिंग है उन पे हमारा एक अपना व्यू पॉइंट बन पाएगा। सिमोन द बोवर के जो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर थे जीन पॉल सार्ट्र, उन्होंने वो एकमात्र वो पहले ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो इन लोगों के विचारों को जानने, सिगमंड फ्रॉयड हुए, इन लोगों के विचारों को जानने की बेहद जरूरत है। ये लोग बताते हैं कैसे एक स्त्री जो है वो ऑब्जेक्टिफाई कर दी जाती है, उसको कैसे एक वस्तु के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या रीजंस है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, क्या हमें नहीं करना है। तो लाइफ की लगभग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को लेके हमारा एक व्यू पॉइंट, एक विजन क्लियर हो सकेगा। साथ में अगर हम इनको अपनी बातों में कोट करते हैं तो हमारी बातों में एक वजन आएगा और हम ये समझ पाएंगे कि हम जो है कैसे अपने आप को लाइफ की तमाम सारी डिलेमास से अपने आप को बचा सकते हैं और एक बेहतरीन सक्सेसफुल करियर और एक बेहतरीन इंसान के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। और समाज भी उसी हिसाब से हमें एक इम्पोर्टेंस देगा और हमारी बातों को तवज्जो मिलेगी या फिर एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह हमें ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही कई अन्य महान फिलोसफर्स भी हो सकते हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ ऊपर लेने में। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो अपने अपकमिंग वीडियोज होंगे, हमारे ये जो पूरी की पूरी वीडियो सीरीज होगी, इसमें हम जितने भी बेहतरीन महान फिलोसफर्स हैं उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक कॉमन मैन को, वो चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लिए वो बातें अपनी लाइफ में उतारने के लिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बेहद ज़रूरी साबित होंगी। ऐसी बातों को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स के द्वारा हम उन बातों को समझ रहे होंगे। और ये वास्तव में एक टफ टास्क है कि आप किसी के पूरे जीवन भर का जो उसने आइडिया दिया है और पूरे एक दुनिया को बदल के रखा है, उन महत्वपूर्ण बातों को 5 से 6 मिनट 7 मिनट के वीडियोज में उनको कवर कर पाना एक बहुत ही जटिल कार्य है। उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करेगी। आपसे बस एक उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक छोटा सा प्रोत्साहन मिल सके। अगर आपको लगता है कि ये फिलॉसफी से रूबरू करने के लिए आपके किसी दोस्तों को भी ऐसी ज़रूरत है और आप उनके भी जीवन में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी हमारे वीडियोस या हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले डिस्कशन में, और साथ ही नेक्स्ट वीक जो हमारा इस टॉपिक का पहले किसी फिलॉसफर से हम लोग रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।